के बीच फिर से अभी 11:15 हो रहा है दोस्तों। मैं अभी नहा ली हूँ, नहाने के बाद अभी अपनी छत पे आई हूँ कपड़े डालने के लिए। और अभी कपड़े डालने के बाद मेरा बेटा थोड़ा शैतानी कर रहा है दोस्तों, मैं उसमें भी नजर रख रही हूँ क्योंकि छत है और छत के सामने हमारा खुला हुआ है, गिरने का चांसेस है दोस्तों। चलो मैं बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ मेरा बेटा क्या कर रहा है। मेरा बेटा एक खाली टैंकी पड़ा था दोस्तों, उसके साथ वो अभी खेल रहा है अपने दोस्त के साथ। उसका दोस्त है मेरा नंदू, नंदू भी टैंकी के ऊपर चढ़ गया है दोस्तों। मेरा बेटा चढ़ने की कोशिश कर रहा है। छोड़ दो नंदू, उसको पाँव हटा दो तुम अपना, वो चढ़ जाएगा। और देख सकते हैं दोस्तों पूरे कपड़े धोने के बाद कपड़े को मैं ऊपर सुखाने के लिए आई थी और कपड़े को तार में डाल दी हूँ। मेरा बेटा बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन चढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि अभी छोटा है। अब उसे नंदू की मदद से वो चढ़ गया है दोस्तों, अब उसके साथ वो भी खेलेगा। मैं बहुत देर बाद आई दोस्तों क्योंकि मेरा मोबाइल थोड़ा काम नहीं कर रहा था दोस्तों। ये बहुत ही पुराना है दोस्तों मोबाइल, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड का मोबाइल है, इससे मैं जिससे कर रही हूँ अभी वीडियो वो। तो अचानक जब मैं नहा के निकल के आई उसके बाद मैं सोची कि देखती हूँ अगर मैं ठीक कर पाई तो। फिर मैंने जिससे स्क्रीनशॉट होता है वो बटन को क्लिक की, साइड के दो बटन को क्लिक की, करने के बाद फास्ट रिबूट करके कुछ लिखा आया, फिर ऑटोमेटिकली वो मोबाइल साइलेंट बंद हो गया। फिर मैंने स्विच ऑन किया तो देखी कि वो मोबाइल चलने लगा, तो जिससे मैं आगे का वीडियो कर पा रही हूँ दोस्तों। नहीं तो आज का वीडियो आप लोगों के पास नहीं आ पाता दोस्तों। मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि आप लोगों को कुछ नया दिखाऊँ, अपने हर कामों को आपके साथ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों के साथ। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों कि मैं अभी आप लोगों के बीच आ गई हूँ और अभी 1 बजने वाला है दोस्तों, तो अभी मैं अपने बेटे को खिलाऊंगी। वो मोबाइल देखते हुए खाता है दोस्तों, ये उसका बैड हैबिट हो गया है दोस्तों, बिना मोबाइल के वो खाना नहीं खाता है दोस्तों। तो चलो आज देखती हूँ कि उसके लंच में आज क्या क्या मेनू है और आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी कि आज वो क्या खाने वाला है। देख सकते हैं दोस्तों कि आज हमारे लंच मेनू में क्या क्या है। तो चावल तो ये तो इम्पोर्टेंट है, वो तो होगा ही। दाल है दोस्तों, दो तरह का दाल है, एक मसूर का दाल और एक उड़द दाल कहते हैं इसे। ये आलू पोस्ता है दोस्तों, ये लौकी की सब्जी है, ये स्पेशली मेरे बेटे के लिए है दोस्तों, फूलगोभी आलू का सब्जी जिसमें ग्रेवी है। वो ग्रेवी के बिना चावल नहीं खाता है, वो दाल के साथ चावल बिल्कुल नहीं खाता है दोस्तों। और उसके लिए अंडा फ्राई है। और फिलहाल इतना ही है दोस्तों। और अभी मम्मी कढ़ाई में फिश भी दी है दोस्तों, ये फिश मेरे और मेरे पापा के लिए है शायद, और एक फिश दे दी मम्मी 3 लोगों के लिए। और मेरा बेटा यहाँ बैठा है दोस्तों, वो बैठ के अभी आंसू बहा रहा था बहुत, मुझे बार बार तंग कर रहा था कि मम्मी मुझे खाने दो, उसे भूख लगी है। पता नहीं वो उसे सच में भूख लगी है कि नहीं, लेकिन वो रो रहा था। बेटा आपको भूख लगा है, खाओगे आप? हाँ खाओगे? जोर से बोलो, देखो इधर देखो, खाओगे? हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जिससे आपका जो हेयर फॉल प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा दोस्तों, और हेयर ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा आपका। जैसे कि हम जानते हैं मेनली हर लड़कियों का प्रॉब्लम होता है कि हेयर फॉल हो रहा है, सर्दी का दिन है, बारिश का दिन है, गर्मी का दिन है, लेकिन कंटिन्यूअस हमारा हेयर फॉल हो रहा है। तो इस हेयर फॉल को कम करने के लिए मैं थोड़ा सा कुछ घरेलू उपाय लेके आई हूँ जो आप लोगों के साथ बिल्कुल मैं शेयर करूंगी और कर रही हूँ अभी। तो चलो दोस्तों देखते हैं कि आज मैंने क्या क्या होम रेमेडीज यूज किया है, घर के छोटे छोटे चीजों को लेके मैंने कैसे अपने हेयर फॉल को कम करने का कोशिश किया है, तो आप लोगों के साथ जरूर मैं शेयर करूंगी। तो ये रहा दोस्तों आज मेरा हेयर फॉल कंट्रोल करने का। हेलो दोस्तों, तो मैं अभी ऐसा ही कोकोनट ऑयल ली हूँ, जिस आप दूसरा कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको हेयर फॉल नहीं होता है कोकोनट ऑयल से, तो आप जरूर इस कोकोनट ऑयल को यूज कर सकते हैं एक बार। ये 175 ml का है दोस्तों ये डिब्बा, आप चाहे तो इससे बड़ा या छोटा कर सकते हैं आपके अनुसार।
तो ये ठंडी का मौसम है दोस्तों, इसलिए ये जम गया है। मैंने बहुत काफी हद तक इसे पिघलाने की कोशिश की है धूप में डालकर, तो ये पिघल भी चुका है दोस्तों। तो चलिए, अगर आप हेयर फॉल से परेशान है, रफनेस से परेशान है, ड्राइनेस से परेशान है, स्प्लिट एंड से परेशान है और हेयर फॉल से परेशान है, तीन इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए मैं थोड़ा सा कुछ छोटा सा उपाय लेके आपके बीच आई हूँ। तो जैसे कि मैंने दो मीडियम साइज का एलोवेरा काट लिया है दोस्तों, थोड़ा सा अदरक ले लिया है, मेथी ले लिया है, कलौंजी ले लिया है और ये चाय पत्ती ले लिया है। लेकिन मैंने ये सब कुछ जो क्वांटिटी लिया है इस टेबल स्पून से मैंने लिया है। उसके बाद दोस्तों मैं एक एक करके इसे सब तेल में डालूंगी। जैसे मैंने अभी इस एलोवेरा को मैं इस तेल में डालूंगी। इस अदरक को इस तेल में डाल दूंगी। इस कलौंजी को तेल में डालूंगी। एक हाथ से करने में बहुत दिक्कत होती है दोस्तों, एक हाथ से मोबाइल पकड़ना पड़ रहा है और एक हाथ से डालना भी पड़ रहा है, इससे बहुत स्लो हो रहा है दोस्तों काम। अब मैं ये चाय पत्ती को भी इसमें डाल दूंगी। मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया है दोस्तों। उसके बाद मैं इसे थोड़ा से स्पून से हिला दूंगी। अब मैं इस गैस स्टोव को जलाऊंगी और जलाने के बाद ये जल गया है दोस्तों। और जलने के बाद इसे मैं एकदम लो फ्लेम में रखूंगी दोस्तों, ताकि ये सिर्फ जले नहीं, क्योंकि ये सिर्फ मुझे इसका हर्ब्स का जो एक्सट्रैक्ट है वो मुझे चाहिए। जलने से मुझे कोई फायदा नहीं है, ये जल के इसका जितना भी हर्ब्स का जितना भी एक्सट्रैक्ट है इस तेल में आ जाएगा दोस्तों, जो हमारे हेयर फॉल को बहुत ही कम करेगा दोस्तों। मैंने इसमें एलोवेरा को इसलिए यूज किया है क्योंकि ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और हमारे नेचुरल शाइनिंग में बहुत हेल्प करता है। और मेथी और कलौंजी आप लोगों को पता ही है दोस्तों कि महंगे महंगे पार्लरों में हम अपने बाल को कैरेटिन करने के लिए जाते हैं, तो हम क्यों ना घर में ही ये कलौंजी और मेथी को यूज करके तेल में अपने कैरेटिन घर पे ही कर लें। और दोस्तों इसमें चाय पत्ती का मैंने यूज किया है ताकि इसका जो नेचुरल कलर हमारे बालों को बरकरार रखे। बस दोस्तों, और आपको तो पता ही है दोस्तों कि अदरक भी हमारे लिवर के लिए भी बहुत हेल्प करता है, हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। और जहां पे हमारा हेयर फॉल हुआ है जिस जगह पे, वहां पे नए हेयर को वो ग्रोथ करके बूस्ट करेगा दोस्तों, और हमारे नए हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा। इसलिए मैंने इसे सब कुछ यूज किया है तेल में डालने के लिए। अभी मैंने इसको तेल में डाल दिया है दोस्तों और बहुत ही लो फ्लेम में इसे रखी हूँ। मैंने ये हेवी थिकनेस वाला पैन इसलिए लिया है दोस्तों क्योंकि इसे मुझे 20 से 25 मिनट गर्म करना पड़ेगा और इस हर्ब्स का जितना भी एक्सट्रैक्ट है इस तेल में आ जाएगा। लेकिन मैं इसे बिल्कुल भी मीडियम या हाई फ्लेम में नहीं करूंगी क्योंकि इससे अगर ये हर्ब्स का जितना भी एक्सट्रैक्ट है वो अगर एवोपरेट होकर निकल जाएगा तो वो मुझे कुछ भी प्रॉफिट नहीं कर देगा इस तेल को। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इसे छोड़ दे रही हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आपको 20 मिनट बाद। मैं दिखाती हूँ कि वो तेल हर्ब्स का जो एक्सट्रैक्ट है वो तेल में कैसे मिल गया है दोस्तों और वो हमें कैसे हेल्प करेगा हेयर ग्रोथ। हेलो दोस्तों, तो मैंने जो तेल बनाया था हर्ब्स के साथ वो तेल अभी पूरी तरह तैयार हो चुका है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं अभी आपको बैक कैमरा से जरूर दिखाऊंगी दोस्तों, तो आप देख लीजिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैं हर्ब्स को अलग करके रख ली हूँ स्ट्रेनर की सहायता से, तेल को इसमें छान ली हूँ क्योंकि मुझे इसी डिब्बे में रखना था तो मैं इसी डिब्बे में डाल ली हूँ। आप चाहे तो किसी और डिब्बे में डाल सकते हैं दोस्तों, और इसे आप एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं दोस्तों, नहीं तो आप फेंक सकते हैं दोस्तों। तो ये तेल बिल्कुल बनकर तैयार है, आपके हेयर को बहुत ही मजबूत और बहुत ही लंबा बनाएगा दोस्तों।
मैंने ये प्रैक्टिकल में अपने बालों में की हूँ, जिससे मुझे काफी रिजल्ट मिला है। विद इन 6 वीक्स मुझे बहुत बेनिफिट मिला है दोस्तों, आप लोग भी यूज करके देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, बाय। फिर दोस्तों, जैसा कि अभी घड़ी में 7:20 हो चुका है दोस्तों, आज एक शादी हो चुका है, रिसेप्शन है दोस्तों। मेरे हस्बैंड के दोस्त का साला का शादी है, तो उसमें हमें इनवाइट है दोस्तों। तो मैं जा रही हूँ, मैं, मेरे पापा और मेरा बेटा जा रहा है। मेरे हस्बैंड अभी फिजिकली यहाँ है नहीं, तो वो नहीं जा पा रहे हैं हमारे साथ। उनको भी बुलाया गया था, वो इस उनका ही इनविटेशन है एक्चुअली, पर वो नहीं है अभी, तो मुझे ही जाना पड़ रहा है दोस्तों। तो मैं पूरी तरह से शादी में जाने के लिए रेडी हो गई हूँ दोस्तों। कैसा लग रहा है मेरा आउटफिट जरूर बताना दोस्तों। तो हम अब पहुँच चुके हैं शादी के घर दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बाद में बात करते हैं दोस्तों। चल दोस्तों, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रही हूँ दोस्तों कि ब्राइड कैसे लग रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरा बेटा डीजे में डांस करने के लिए स्टेज में उतर गया है, लेकिन वो लाइट्स को देख के ज़्यादा खुश हो रहा है दोस्तों। उसको वहाँ एक दोस्त मिल गया है, देख सकते हैं आप सब कि ये बच्चे का कितना अच्छा टैलेंट है। वो खुद अकेले इतना कॉन्फिडेंटली डांस कर रहा है, मुझे इसका डांस बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ इसके डांस से, और वहाँ पे खड़े हर लोग उसका तारीफ कर रहे थे, हर लोग उसका वीडियो बना रहे थे। मेरा बेटा अकेले खड़ा होके वहाँ डीजे का लाइट्स को देख रहा है कि वो कलरफुल लाइट कैसे चेंज हो रहा है और कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो देख रहा है। इस बच्चे का भी डांस मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब भी करो। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं फिर नए ब्लॉग के साथ।